अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपको प्याज के हवाले से 7 फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पूरा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आएगी। तो दोस्तों, इसकी बात यह है कि अगर आप घर में कच्चा प्याज खाते हैं तो आप रोज़ाना खाते रहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर आप कच्चा प्याज नहीं खाते तो आप कच्चा प्याज ज़रूर इस्तेमाल करें और बहुत सारी बीमारियों में आप हिफाजत में रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्याज के 7 फ़ायदे बताता हूँ। नंबर 1, 4 या 5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। नंबर 2, प्याज ब्लड प्रेशर, दिलो मैदा की बीमारियों और फालिजों कब्ज से महफूज रखता है। नंबर 3, कुव्वत बा को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। अगर आप मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो आप दोपहर के खाने के साथ प्याज इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। नंबर 4, प्याज का इस्तेमाल बाकायदगी से यानी कंटिन्यू करने से दोपहर के खाने के साथ आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 5, प्याज का इस्तेमाल बाकायदगी से करने से अज़्दवाजी ज़िंदगी यानी मियां बीवी की ज़िंदगी खुशगवार रहती है, खुशहाल बनती है। नंबर 6, बरसात के मौसम में कच्चा प्याज खाने से आप हिजा की जैसी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। नंबर 7, खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने के लिए प्याज बहुत ही मददगार है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए प्याज बहुत ही ज़्यादा मददगार है। इसलिए दोस्तों, आपको प्याज की कहानी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में ये शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, अल्लाह हाफिज़।